भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। यह दर्शकों की कड़ी मेहनत और लगन का नतीजा है। आज हम भारत के 10 सबसे अमीर शहरों के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए। 10वें नंबर पर है विशाखापट्टनम। यह शहर आंध्र प्रदेश का औद्योगिक केंद्र है, जो स्टील प्लांट आईटी सेक्टर के लिए प्रसिद्ध है। इस शहर की जीडीपी 26 बिलियन डॉलर है, इसलिए यह 10वें नंबर पर आता है। 9वें स्थान में है सूरत। गुजरात का सूरत शहर डायमंड कटिंग टेक्सटाइल कंपनी के साथ साथ स्टील और पेट्रोकेमिकल के लिए भी फेमस है। लगभग 40 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ यह शहर 9वें स्थान पर है। 8वें नंबर पर है पुणे। शिक्षा, आईटी, ऑटोमोबाइल, ग्लास और चीनी सेक्टर में अग्रणी होने के कारण यह 8वें स्थान पर है। इसकी जीडीपी 48 बिलियन डॉलर है। 7वें नंबर पर है अहमदाबाद। गुजरात के अमीर शहरों के लिस्ट में आता है। इसकी जीडीपी 64 बिलियन डॉलर है। 6वें स्थान पर है चेन्नई। दक्षिण भारत में यह शिक्षा, उद्योग, अर्थव्यवस्था और संस्कृति का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ ऑटोमोबाइल, तकनीकी और स्वास्थ्य सेक्टर के लिए जाना जाता है। इसकी जीडीपी 66 बिलियन डॉलर है। दोस्तों 5वें नंबर पर है हैदराबाद। यह कभी डायमंड और मोतियों के लिए जाना जाता था, लेकिन अब यह शिक्षा और शोध संस्थानों के लिए जाना जाता है। इसकी जीडीपी 74 बिलियन डॉलर है। यह 5वें स्थान पर है। 4थे स्थान पर है बेंगलोर। भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाने वाला शहर आईटी सेक्टर के लिए जाना जाता है। 83 बिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ भारत के सबसे अमीर शहरों में 4थे नंबर पर आता है। 3रे स्थान पर है कोलकाता। पूर्वी भारत का संस्कृति और शिक्षा का केंद्र है। इसकी जीडीपी 150 बिलियन डॉलर की है। यह 3रे स्थान पर स्थित है। 168 बिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ भारत की राजधानी दिल्ली इस सूची में दूसरे स्थान पर है। भारत में ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया के सबसे बड़ी आर्थिक शहरों में से एक है। दोस्तों पहले नंबर पर आता है मुंबई। भारत की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाली मुंबई सबसे पहले स्थान पर है। इसकी जीडीपी 201 बिलियन डॉलर है। यह शहर वैज्ञानिक और परमाणु शोध संस्थाओं के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों ये थी भारत देश की 10 सबसे अमीर शहर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।